नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जयस्त न्यूज। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ट्रांसफर पोस्टिंग केस में सीबीआई के द्वारा एक बड़ी अपडेट दी गई है। आप सबको पता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग और साथ में ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है सीबीआई के द्वारा दर्ज किया गया है अनिल देशमुख के खिलाफ में, और अभी जो अपडेट दी गई है वो ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड न्यूज जो है आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सीबीआई की जो जाँच है वो अभी एक अहम मोड़ पर पहुँच चुकी है और अभी तक की जो जांच हुई है उसमें पता चला है कि अनिल देशमुख जब तक गृह मंत्री थे उस टाइम तक 50 ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जिनकी जो ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है उसमें गड़बड़ी की है। मतलब कि 50 ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिनके ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी पाई गई है, वो भी सीबीआई के द्वारा। सीबीआई ने जो अभी तक छानबीन की है उसमें टोटल 50 पुलिस ऑफिसर्स के बारे में पता लगाया है कि उनके ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी की गई वो पैसे लेकर या मतलब जान पहचान की वजह से की गई, जानबूझ के की गई, और उसमें पूरी की पूरी गड़बड़ी पाई गई है जो कि सीबीआई के द्वारा भी अपडेट दी गई है। साथ में ही सूत्रों से जो अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि ये जितने भी कांड हुए थे, मतलब कि जितने भी मामले इस तरह के आए थे ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड, जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं ये सारे के सारे उस टाइम हुए थे जब 2020 में, सितंबर के 2020 में एक पीआईबी की मीटिंग हुई थी। पीआईबी की मीटिंग के जस्ट बाद ये सारे के सारे ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड जो है घोटाले किए गए हैं। आपको बता दूं कि पीआईबी की जो मीटिंग होती है इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनके द्वारा की जाती है, मतलब कि वो जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। साथ में ही डीजीपी, डीआईजी जैसे बड़े रैंक वाले ऑफिसर जो है यहाँ पे शामिल होते हैं, और उस मीटिंग के बाद ही कन्फर्म किया जाता है कि किसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। तो मतलब कि इस मीटिंग के जस्ट बाद जो प्लानिंग की गई थी किसको कहाँ पर किस तरह से ट्रांसफ़र करना है और किसको कितने पैसे पे कहाँ पर भेजना है, इन सब चीज़ों को लेकर अभी सीबीआई की तरफ से अपडेट दे दी गई है कि 50 ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिनके ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी पाई गई है और वो जल्द ही अनिल देशमुख के ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं कुछ कार्रवाई होती है या नहीं। बाय द वे, आप सबको पता है कि पिछले 6 महीने से यही चल रहा है कि कार्रवाई होगी लेकिन आज तक नहीं हुई। अब देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।